Hello, I'm Dr. Ravinder Gaur. I'm a senior consultant, gynecologist and laparoscopic surgeon and unit head at Metro Hospital, Faridabad. मेरे पास पेशेंट शिवांगी अर्ली प्रेगनेंसी में आई थी, उस समय इसको बहुत बड़ा फाइब्रॉयड था, अराउंड 6.5 टू 7 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा फंडल फाइब्रॉयड, यानी कि यूट्रस के ऊपर था पूरा फाइब्रॉयड. लाइक फर्स्ट टाइम जब मुझे और वाइफ को पता चला कि दैट शी इज प्रेगनेंट, सो वी जस्ट केम हेयर इन मेट्रो हॉस्पिटल एंड डायरेक्टली वी जस्ट मेट विद रविंद्र कौर मैम. 9 डेज पहले मैंने बेबी डिलीवर किया है और रविंद्र मैम पूरा केस देख रही थी. आई हैड अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे मेरी प्रेगनेंसी में, बट आई थिंक माई डॉक्टर रविंद्र कौर, शी हेल्प मी अ लॉट. वॉज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी, इसको पूरा समझा दिया था कि प्रेगनेंसी के साथ क्या क्या फाइब्रॉयड के अलॉन्ग विद द प्रेगनेंसी फाइब्रॉयड के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेंगे. हो सकता है ये प्रेगनेंसी पूरा 9 महीने चली जाए, या हो सकता है बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अबॉर्शन का रिस्क होता है, वो हो सकता है, रेड डिजेनरेशन होता है फाइब्रॉयड का, सारी कॉम्प्लिकेशन मैंने इसको समझा दिया था. एंड देन वी अलॉन्ग विद द पेशेंट वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी. उन्होंने स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी टिल द वेरी एंड हमेशा मुझे सपोर्ट किया. देवर टाइम्स, मतलब मैंने बहुत लेट लेट उनको कॉल किया, रात को 2-2, 3-3 बजे, एंड जब भी उन्होंने कॉल मिस भी किया, उन्होंने हमेशा कॉल बैक किया मुझे असिस्ट करने के लिए. सो आई वॉज नेवर लेफ्ट अनआंसर्ड. एंड उसके बाद बीच बीच में बहुत बड़ी पेन्स हुए. प्रेगनेंसी पूरे फर्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पेशेंट को. उसके बाद अगले जो 3 महीने थे उसमें पेशेंट को हल्का फुल्का पेन रहता था और लिवर के फंक्शन थोड़े से गड़बड़ हुए थे, जिसके लिए हमने इसको मेडिसिंस वगैरह दे दी थी. इट वॉज ऑल ओके, हर बीपी वॉज फाइन और शुगर्स एब्सोल्युटली नॉर्मल थी. और इसके बाद जो था नेक्स्ट, जो हमारा अगले 3 मंथ्स का प्लान था वो ये था कि डॉपलर वगैरह कराएंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती कुछ होती, लेट्स सी. तो डॉपलर कराया, इट वाज ऑल नॉर्मल. उसके बाद बेबी के आसपास वाटर लेवल भी ठीक था. दूसरा है कि लिवर के टेस्ट इसके काफ़ी नॉर्मलाइज हो गए थे. एंड देन वी स्टॉप्ड हर मेडिसिन. शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ, उसको यूटीआई बार बार हो जाता था, तो यूटीआई के लिए मैं बीच बीच में इसको मेडिसिन देती रहती थी और हम इसका टेस्ट भी कराते रहते थे कि प्रॉब्लम बढ़े ना, बिकॉज अगर यूटीआई होता है तो समय से पहले डिलीवरी का खतरा भी रहता है, प्लस फाइब्रॉयड वाज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर कि समय से पहले डिलीवरी हो सकती है. उसके बाद ये हुआ कि पेशेंट को एक बार 36 वीक्स के अराउंड शी सेड कि मुझे पेन्स तो नहीं है इतने बिल्कुल भी, लेकिन बेबी की मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं. तब मैंने इसको पेशेंट को एक बार बुलाया कि आप आओ हॉस्पिटल, मैं एक बार आपका CTG करूँगी. CTG करा, CTG में इसकी बेबी की हार्ट बीट थोड़ी सी हायर साइड पे थी. देन आई गॉट द अल्ट्रासाउंड डन. अल्ट्रासाउंड में वाटर लेवल वॉज फाइन. आई आज द पेशेंट टू इधर ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर या मैं IV फ्लूड लगा देती हूँ. शी सेड कि मैं पानी पी लूँगी. पानी पीने के बाद करीब हमने 1-1.5 घंटे के बाद इसका दोबारा CTG, जब बेबी की हार्ट बीट का एक ट्रेस होता है वो किया, उसके बाद वो CTG बिल्कुल नॉर्मल आ गया था. देन आई सेड कि नहीं, अगर तुम्हें दोबारा कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, बेबी के मूवमेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना, देन यू कम टू मी अगेन इन द अराउंड 12-16 आवर्स के बाद. अगेन आई गॉट हर CTG डन. इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट वॉज रिएक्टिव और बिल्कुल नॉर्मल था. देन आई डिड हर इंटरनल एग्जामिनेशन. इंटरनल एग्जामिनेशन में शी वॉज नॉट इन लेबर. जो अल्ट्रासाउंड था इट वॉज एब्सोल्युटली फाइन. देन आई सेड कि नो, वी विल वेट फॉर द लेबर पेन्स एंड नॉर्मेटिव. आई कॉल्ड हर आफ्टर 1 वीक. 1 वीक के बाद भी बिल्कुल सब ठीक चला. CTG रिपीट किया, इट वॉज ऑल फाइन. देन शी हैड अ स्पॉन्टेनियस लेबर अराउंड 1 डे डिलीवरी के, जिस दिन दिवाली था उसके जस्ट 1 दिन पहले. ऑन द डे ऑफ दिवाली शी डिलीवर एंड इन द नाइट शी केम विथ लेबर पेन्स एंड इट वेंट वेरी स्मूथ. मतलब कि 6-8 घंटे में इसकी डिलीवरी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इट वॉज एब्सोल्युटली फाइन. नाउ द पेशेंट इज एब्सोल्युटली ओके. शी इज़ वेरी हैप्पी. हर फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी. एंड उसको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन अभी पोस्ट डिलीवरी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ. शी इज़ एब्सोल्युटली ओके. मेरे को कभी बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, ना मेरे फाइब्रॉयड में कभी कोई इशू आया, ना मुझे बीच में पेन्स हुए, ना बर्थ के बाद मेरे बेबी को कोई ऐसा इशू आया. सो इट द जर्नी वॉज वेरी स्मूथ. थोड़ी टफ थी बट आई थिंक अगर रविंद्र मैम एंड ऑल द मेट्रो स्टाफ वॉज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग दिस ऑल 9 मंथ्स जर्नी फॉर माई लिटिल किड. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर. ये मेरा छोटा सा मिरेकल है जो आई थिंक रविंद्र मैम के सपोर्ट से हुआ है. एंड आई एम रियली हैप्पी आफ्टर हर बर्थ.
आई एम श्योर ये भी जब बड़ी होगी और मैं इसे स्टोरी सुनाऊंगी तो ये कोशिश करेगी एक बार रविंद्र मैम से मिलने की और उन्हें थैंक यू बोलने की, एंड आई विल ट्राई कि मैं इसे एक बार ज़रूर मिलाऊँ जब भी बड़ी हो जाए. सो थैंक यू वेरी मच रविंद्र मैम एंड टीम फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड हेल्पिंग मी इन दिस एंटायर प्रोसेस. आई थैंक एवरीवन फॉर सपोर्टिंग हर एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट पेशेंट एंड हर फैमिली फॉर सपोर्टिंग हर. एंड बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है मान लो किसी पेशेंट की, तो पेशेंट को भी उतना ही कोऑपरेट करना पड़ता है डॉक्टर के साथ, बिकॉज डॉक्टर अगर सपोर्ट कर रहा है तो शी ऑल्सो हैज़ टू कोऑपरेट ताकि उसको नॉर्मल डिलीवरी पूरी हम कर पाएँ. थैंक यू सो मच.